दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। आप नेशनल पॉलिटिक्स पूरे तरीके से फॉलो करते हो? हाँ, ऑब्वियसली। बहुत सारे टीनेज लिसनर्स है हमारे, कॉलेज स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते। इफ यू आर कंफर्टेबल, एक पिक्चर पेंट कर दीजिए देश में क्या हो रहा है। नेशनल पॉलिटिक्स नहीं, इस देश के युवा को एक बात बता दी गई कि राजनीति एक गंदी चीज है। गंदी होती तो डॉक्टर अंबेडकर क्यों करते? राजनीति एक बहुत ही परिपक्व मन का खेल है। जब उस खेल में वो परिपक्व मन नहीं जाता तो लोअर एवरेज लोग उसमें जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का संबंध सीधे राजनीति से है। राजनीति में कभी वैक्यूम नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास एक बजट है पैसे का। इकोनॉमी का सीधा कनेक्शन है पॉलिटी से, पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। तो जब वो राइट एक्यूमेन का आदमी राजनीति में जाना बंद हो गया तो वैक्यूम तो होगा ही नहीं, तो ठेकेदार जाने लगे, कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही तो काम करेगा। उसको ठेकेदारी से मतलब है कि उसको वेलफेयर से मतलब है? तो जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत परेशान था, उस समय आज भारत परेशान है। वो इसलिए नहीं कि यहां कोई खराब है, नहीं, इसलिए क्योंकि एक अलग ग्रुप का आदमी पॉलिटिक्स में एंटर कर गया। और दूसरी बात, इस देश के आदमी को बजट समझ में नहीं आता। और आपने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया कि जाओ बाजार से सामान ले आओ, वो लौट कर आया, आपने हिसाब नहीं मांगा, तो बाकी पैसा तो रख ही लेगा ना। हर आदमी लाल बहादुर शास्त्री थोड़ी है। तो इस देश का आदमी अपने आप को राजा मानता ही नहीं। प्रियम्बल की पहली लाइन कहती, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। तो मैं इस देश के युवाओं से कहूंगा कि वो राजनीति का अध्ययन करें, पढ़ें, उसको गौर से देखें और कोशिश करें कि अपनी एक सोशल स्टेटस बनाकर खुद राजनीति में एंटर करें। एक सप्लीमेंटल सवाल, आप उन्हें कुछ स्टार्टिंग इनपुट दे दीजिए, क्या हो रहा है देश में अभी? नहीं अभी तो, मतलब मान लो एक 18 साल का बच्चा ही पॉडकास्ट सुन रहा है और उसे लिटरली सिर्फ ये पता है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं अभी देश में। अब इस देश में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता। जैसे मैंने एक बार जामा मस्जिद के इमाम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हां मैं आईएसआई का एजेंट हूं, किसी को कुछ करना हो तो कर ले। अब कोई इस तरह से नहीं बोलता इस देश में। अब इस देश में राष्ट्रवाद की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, उस पर कितना काम हो रहा है ये तो बात का समय बताएगा, वो हो रहा है। अब इस देश की पूरी जो दर्शन है वो बदल रहा है, पूरा दर्शन बदल रहा है। वो बदलना ही था तो समय की बात थी, वो होना ही था। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ काम करते हो उस वक्त आपको फील नहीं होता। जैसे आज की डेट में इस देश का मुसलमान पॉलिटिकली जाग रहा है। पहले उसको जागने की, वो जानता था कोई भी सत्ता में आएगा हमारा विरोध कोई करेगा ही नहीं। उस बात ने उसको बर्बाद कर दिया था। मतलब जब किसी आदमी को कोई टोकने वाला नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं, उनके फादर डीएम थे, तो उनके घर में जब भी कोई ज्योतिषाचार या पामिस्ट्री वाला आता था तो उनके बेटे की बड़ी तारीफ करता था। अरे बाबूजी मंगल बड़ा उच्च का है बाबूजी, अरे बृहस्पति देखो बाबूजी, शुक्र के तो क्या कहने। और मैं अगर हाथ दिखा देता था तो मुझसे कहता संघर्ष बहुत है। तो मोदी जी के भी जीवन में तो संघर्ष बहुत है। संघर्ष बहुत होना बड़ी अच्छी बात है। तो जिसकी भी ज्यादा पैटिंग की जाती है ना, वो बर्बाद हो ही जाता है। मुसलमान को चिंता नहीं थी अपनी, बहुत पड़ा हुआ, वो जानता था कि कोई भी आएगा सब पैट कर रहे हैं। अरे भैया भैया मुसलमान को कुछ मत बोलना भैया, अरे अरे भैया। ये क्यों होता था? वोट बैंक। मुसलमान तो उसको, मुसलमान बड़ा भावुक है ना, मुसलमान को जीतना इतना, आप बस इस्लाम की तारीफ कर दो, मुसलमान सीना उना फाड़ के, अरे भैया मुसलमान का
जीवन ले लो, बस इस्लाम की तारीफ कर दो। तो मोदी जी ने मुसलमान को इस बेहोशी से बाहर निकाला। मुसलमानों को मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए उन्हें कि महाराज आपने निकाला। तो शाहबानों के केस में क्या हुआ था इस देश में, सरकार की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो कानून को बदल दे। यहां तो कानून बदलो कोई परेशानी है, बोले बाबूजी कोई परेशानी नहीं। यही तो है डिटरमिंड लीडरशिप, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक इज डिफरेंट, इंस्टेंट इज डिफरेंट। आप भाई दारू पी के मोबाइल में पत्नी को बोल दिए तलाक तलाक तलाक, ये थोड़ी इस्लाम कहता है। वो ट्रिपल तलाक की बात करता है, और वो भी स्टेजेस में। तो जो काम विलियम बेंटिक ने हमारे लिए किया ईसाई होते हुए, बड़े ध्यान देने वाली बात है, सती प्रथा खत्म किया उसने, वही काम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए किया हिंदू होते हुए। कभी कभी आप बेहोशी में अपनी कमियां नहीं देख पाते, कोई दूसरा आके दिखा जाता है तो उसको गाली देने के बजाय उसको थैंक यू बोलना चाहिए। मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपने कहा कि भारतीय, हर भारतीय, हिंदू मुस्लिम सिख बुद्धिस्ट थोड़े रोमांटिक होते हैं, पास्ट में जीना पसंद करते हैं, exactly. ना कि प्रेजेंट में जीना। और प्रेजेंट में मुझे दो फील्ड से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। पहली फील्ड स्पोर्ट्स, जहां कोहली और शिखर धवन के साथ मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी भी एक ही टीम में खेलते हैं, बिल्कुल। और दूसरी फील्ड बिजनेस, क्योंकि अभी चाइना और अमेरिका हमारी बहुत मुझे गाली नहीं देनी है, पर आप समझ गए मुझे क्या कहना कोई नहीं लेने वाले हैं। और अगर हमें ये विश्व कप जीतना है तो हमें भारतीय क्रिकेट टीम से इंस्पिरेशन लेनी होगी, लेनी पड़ेगी, जहां जात धर्म देखे नहीं जाते, एबिलिटी देखी जाती है और टीम वर्क देखा जाता है, बिल्कुल। पर इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने करीब 500 एपिसोड रिकॉर्ड किए, मैंने ये डेफिनेटली देखा है कि जिन लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं या जो लोग नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही लोग ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े को हाईलाइट करते रहते हैं इस पॉडकास्ट पर। और जो लोग कैपिटलिस्टिक होते हैं, जो लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो लोग जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूटी, देश भी टूटेगा, और ये सच है। एग्जैक्टली exactly. पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपने खुद के एम्बिशन के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं, या एक्चुअली मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं तोड़ना नहीं चाहते, फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि रिलीजन धर्म एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के दिल में होती है, या बहुत सारे इंसानों के दिल में होती है। अगर आपने उनके दिल में जाकर उनको अफेक्ट किया तो उनका दिमाग भी अफेक्ट हो जाता है, आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हो। अगर मासेस को कंट्रोल करना तो उनके रिलीजन से बात करो, ये एक बहुत बेसिक फिलोसॉफिकल चीज होती है गवर्नेंस में, चाणक्य भी इसी के बारे में बताते थे, और यही हो रहा है आज हमारे देश में। आई फील कि पिछले 5-10 सालों में ज्यादा हुआ, आजकल के लोग होपफुली पॉडकास्ट के थ्रू, होपफुली यूट्यूब के थ्रू ये जान रहे कि अभी जियोपॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो रही है, ना कि नेशनल पॉलिटिक्स की गेम्स। नेशनल पॉलिटिक्स और ये हिंदू मुस्लिम के फाइट्स को छोड़ो और बिजनेस के बारे में सोचो, जियोपॉलिटिक्स के बारे में सोचो, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। कुछ कहना चाहोगे? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं दोनों पे कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स के बारे में भी। स्पोर्ट्स, पहले मैं स्पोर्ट्स पे ही बोलूंगा। स्पोर्ट्स जीवन में जितनी इंपॉर्टेंट सांसें हैं, आज आप देखो कितने लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, क्यों? जीवन तो है, खेल खत्म हो गया। हम छोटे थे तो 50-50 ओवर मैच खेल रहे हैं, उसके बाद कुछ भी खा रहे हैं, लोहा भी खा रहे हैं, हजम हो रहा है। तो एक तो स्पोर्ट्स आपको स्वस्थ रखता है, दूसरा स्पोर्ट्स क्या करता है, आपकी जो स्पिरिट है ना, आप हार गए और आप अपने जीते हुए दोस्त को जाके बधाई दे रहे हो, वो स्पिरिट पैदा करता है। स्पोर्ट्स एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। स्पोर्ट्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ बल्ला पकड़ लिए खेल रहे, नहीं नहीं, जब आप मैच देखते हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया जीत गई, पाकिस्तान में टीवी फोड़ी जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी कैप्टन इंडियन कैप्टन गले मिल रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप हुआ, लियोनेल मेसी जीता, बड़ी अच्छी बात है,
सब चाहते भी थे, मैं भी चाहता था। मैच शुरू होने से पहले मैं भी चाहता था लियोनेल मेसी जीते। जब मैच खत्म हो गया तो उस मैच से एक हीरो पैदा हुआ, एम्बापे। लड़ता रहा मारता रहा। अब वो जो स्पिरिट है उसकी, वो मेरी ताकत बन गई। उस बंदे ने अपना पेनाल्टी शॉट तो मार ही दिया था कि हारना नहीं है बॉस। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जाके उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा डाओ यार। तो स्पोर्ट्स आपको स्वास्थ्य देता है, स्पोर्ट्स आपको स्पिरिट देता है, स्पोर्ट्स ध्यान सिखाता है। जिसका मन अनस्टेबल है वो क्या खेलेगा। तो जहां पे इतने फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, आज के बच्चे 12 साल के बच्चे को शुगर है क्योंकि सबके पास पैसा है, ज्यादातर लोगों के पास खाना, आप बच्चों को अच्छा खिला रहे हो लेकिन बच्चे खेल ही नहीं पा रहे। मोबाइल ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ छीना, उसमें एक चीज छीन ली, बाहर घूमना छीन लिया। मैं अभी आ रहा था प्लेन से तो मेरे बगल एक साहब बैठे हुए थे, मैं तो किताब पढ़ रहा था, अब तो किताबें मेरी नशा बन गई। जिस चीज से आपको पैसा मिलता हो, इज्जत मिलती हो, आप उसको अगर छोड़ देंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। और मुझे ये सब चीज़ मिला किताबों से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो बर्थडे है 14 अप्रैल, उसको एजुकेशन डे मनाया जाए, क्योंकि वो भी आदमी दलित से ब्राह्मण बना एजुकेशन की वजह से। सरकार उसको एजुकेशन डे डिक्लेयर कर दे कि आज के दिन एजुकेशन पर चर्चा होगी कि एजुकेशन क्या होती है, ये क्या होता है। तो स्पोर्ट्स बहुत बड़ी चीज़ है, वो सांसों के बाद आदमी के जीवन में बहुत ज़रूरी है और हर आदमी को उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कुछ ना कुछ खेलना चाहिए। बिजनेस, भारत सोने की चिड़िया, यू टुक अप दैट पॉइंट। कब था? जब हम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे, अशोक के टाइम पे, जब हम लेदर एक्सपोर्टर थे, जब हम पेपर एक्सपोर्टर थे, जब हम कटलरी एक्सपोर्टर थे। प्लीनी रोमन हिस्टोरियन रो रहा है, कह रहा था एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज फ्लोइंग टूवर्ड्स इंडिया। और आज हम कॉर्नफ्लेक्स से लेकर बोइंग तक इंपोर्ट करते हैं, केलॉग्स। जो कंट्री कॉर्न पैदा करती है वो कंट्री केलॉग्स इंपोर्ट करती है। हमारा रुपया नहीं मरेगा तो किसका रुपया मरेगा। एंशियंट इंडिया, पूरा बाहर का पैसा भारत आ रहा है। हम एक्सपोर्टर थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था, मैक्सिमम एक्सपोर्ट मिनिमम इंपोर्ट। मेडिवल इंडिया, ताजमहल बाहर यूरोप वही तो पैसे दे गए तभी तो बना, मैक्सिमम एक्सपोर्ट मिनिमम इंपोर्ट। आज मैक्सिमम इंपोर्ट मिनिमम एक्सपोर्ट। और जब तक ये बैलेंस, अब तेल तो हम नहीं बना सकते, तेल तो हमें एक्सपोर्ट ही करना, लेकिन सब्स्टिट्यूट एनर्जी तो हम यूज ही कर सकते हैं ना। सोलर पावर पे हम ध्यान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हम ला ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं भाई, कार की शीशे का वाइपर तो बना ही सकते हैं ना, साइकिल बना सकते हैं, स्लीपर बना सकते हैं। तो इंडिया को बिजनेस प्रमोशन की जो आइडियोलॉजीज है ना, उनको प्रमोट करना चाहिए हमारी सरकार को, निश्चित तौर पे करना चाहिए। ओके, और इसलिए जो लोग मुगल्स को या जनरली इस्लाम को एक ब्लैक पेंट का कोट के साथ पेंट कर रहे, आई थिंक यूथ को अब उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए। मेरा मानना यह है कि जहां भी आपको डाउट हो, जहां भी, जैसे एक साहब ने हमसे कहा हम डॉक्टर अंबेडकर से बहुत नाराज हैं, हमने कहा क्यों, तुम्हारी सब बदतमीजी की तुम्हारी वाइफ के साथ। अरे नहीं यार, साधवी ने जो है आरक्षण लेकर आया। मैंने कहा यार पढ़ लो कम से कम, यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई सेड यार मैं तैयार नहीं हूं। इस देश में 90% आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुनकर नॉलेजेबल हो गया है। तो जहां भी आपको डाउट है तो आप किताब पता करो कि यार ये कहां लिखा हुआ, और वो किताब स्टैंडर्ड पब्लिकेशन से होनी चाहिए, एविडेंस ढूंढो आप बेसिकली। हाँ, वो किताब जो है मजनू पब्लिकेशन से नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ो ना,
आप पता करो। दोस्तों टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टीआरएस हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।